तो मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अभी मणिपुर का हम बेटी हो, हम माओ, हम बहनों सब आगे आके आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं हमको बचाओ, हम आपका बेटी है, आपका बहन है, आपका माँ है। हम मणिपुर एक ऐसा राज्य जो कहते हैं शांति का प्रतीक था, लेकिन वहां इतनी अशांति है कि लगातार अब तो कह रहे हैं कि ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं, और ऐसे बम गिराए जा रहे हैं, इतने घातक बम गिराए जा रहे हैं जिसमें सिविलियन मर रहे हैं, और खासकर मैतई समाज के ऊपर ऐसा किया जा रहा है। और वो जो आरोप है वो बहुत संगीन लग रहे हैं, और मैतई समाज के लोग हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें बचाओ। ये हमला मैतई समाज पर नहीं है, ये हमला भारत की सरकार पर, भारत के देश पर हमला है, क्योंकि अब तक किसी भी लड़ाई के अंदर ड्रोन से बम नहीं गिराए गए हैं। वो चाहे बम गिराए गए हैं तो बाहर से पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं, लेकिन देश के अंदर से ही ड्रोन उड़ाकर देश के ही नागरिकों पर बम गिराए जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल हालात हैं। हमारे साथ दो मैतई समाज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। लगातार वायलेंस हो रहा है मणिपुर के अंदर, थोड़ा रुकता है, शांति होता है, फिर हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार पूछने वाली बात है। मैं एक बात बताऊँ, आपने ये शुरू किया है तो मैं पूछ रही हूँ। ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, और जो उसी टाइम में 2 या 3 महीने एक भी झगड़ा नहीं हुआ, वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि वायलेंस इज ऑलवेज फ्रॉम वन साइड एंड यू नो व्हिच साइड। तो हम मैतई लोग तो हम डिफेंड कर रहे हैं, वायलेंस है, वी आर प्रोटेक्टिंग। सो दिस कैन बी कॉल ये अटैक करके हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जब वो जो कोई अटैक नहीं कर रहे तो प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं है, तो उसी टाइम पे 3 महीने वायलेंस नहीं हुआ है। तो द लार्जर क्वेश्चन इज दैट देन जो हम हमारे ऊपर में हमला कर रहे हैं, जो कम्युनिटी है, जो किसके कहने पे कर रहे हैं, तो इलेक्शन का टाइम पे उनका क्या मजबूरी है या क्या गेन है उनका, क्या गेन? इलेक्शन के टाइम पे नहीं हुआ कुछ, नहीं हुआ 2-3 महीने कुछ भी नहीं हुआ, ये पूछने वाली सवाल है, गंभीर सवाल उठा रही हैं। दिस आई एम सेइंग दिस ऑन नेशनल मीडिया दैट दिस इज अ रियली बर्निंग क्वेश्चन इन ऑल ऑफ अस, व्हाई देयर वाज नो अटैक, देयर वाज नो वायलेंस, देयर वाज नो बॉम्बिंग, देयर वाज no firing, there was no mortar shelling during election time, why? क्या लगता है राजनीति हो रही है? Yes, this is totally political. So, कहीं हमारा वो मीडिया में भी बोल चुका है, this is political issue, solve it politically. This is not, ये दो समुदाय का वो जो झगड़ा नहीं है शुरू से, ये राजनीति है, ये राजनीतिक है। तो इसमें अभी तो आप लोग को पता चल गया है, सबको पता चल गया है, हम लोग तो बहुत टाइम से पता है, तो किसी और कंट्री का भी हार्ट है, तो ये मणिपुर हमारा भारत का अंडर में है, तो आप आके क्यों बचा नहीं रहे, आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? हम मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम एंड प्रोटेक्ट अस, वी आर इंडियंस, वी आर एज मच इंडियंस एज यू पीपल लिविंग इन दिल्ली, इवन दो आई लिव इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी आर एज इंडियन as everybody in India. नहीं, मणिपुर में भी तो वैसे हालात नहीं बन रहे हैं जैसे कश्मीर में बन गए थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां से भी, क्योंकि बड़े रेफ्यूजी कैंप ऐसे बन रहे हैं जहां पे लोग बेचारे रह रहे हैं, रहने को मजबूर हैं हर समुदाय के। क्या लगा? आई थिंक द नैरेटिव एंड द वॉरफेयर इज डिफरेंट देन कश्मीर, आई वुड से पर्सनली, आई डोंट नो, द एक्सपर्ट्स नो बेटर, बट आप बोल रहे हैं आप कश्मीर के हमको वो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं दैट इज राइट, कश्मीरी पंडित कश्मीरी पंडित को कैसे जेनोसाइड किया, कैसे उनका खुद का वो जो प्लेस है डिस्प्लेस करके, अभी दे हैव नो ओरिजिन, नथिंग, दे आर लिविंग हियर एंड दे आर इन जम्मू, आई मीन दिल्ली। सो यही सिचुएशन होने के लिए वो कोई हमारे ऊपर में सजेस्ट करे ऐसे हम मानते। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या लगता है ये जो बड़े बड़ी सेलिंग हो रही
रही है, बॉम्ब हो रहा है, ड्रोन से गिराया जा रहा है, इससे तो कोई सिविलियन लड़ नहीं सकता भाई। अगर सामने वाले पे भी नॉर्मल तरह के हथियार हो इजी तब तो लड़ भी सकते हैं सिविलियन, लेकिन जो जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज हो रहे हैं, जैसे आर्मी यूज करती है इस तरह के हथियार, उससे कैसे सिविलियन लड़ पाएगा? तो एक तरफा फैसला हो जाएगा, जिसके पास वो हथियार होंगे वो जीत जाएगा। क्या कहेंगे आप इस क्या बोलना है हम लोग को? हम लोग शुरू से हम लोग के पास हथियार नहीं है, शुरू 3 तारीख से शुरू किया है, हम लोग के हाथ पे कुछ भी नहीं है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, एक धंधा है, धंधा लेकर हम लोग ड्रोन से नहीं लड़ सकते, ड्रोन से नहीं लड़ सकते। अभी तो ड्रोन आ गया, उस टाइम में बंदूक और धंधा से लड़ रही है, वो माए हो तोस करके रात में जाग जाके वो हम लोग का बच्चे लोग को संभाल रहे, प्रोटेक्ट कर रहे। अच्छा, मणिपुर में महिलाओं को बड़ा वो दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, कहते हैं इम्फाल के अंदर महिलाएं डोमिनेट करती हैं, बाजार भी चलाती हैं, मार्केट भी चलाती हैं महिलाएं। अब महिलाओं की बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने मणिपुर को या अपने इम्फाल वैली को कहें, जो भी कहें, उसको बचाएं। तो क्या आप कहना चाहती हो प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आप मणिपुर की कहते हैं, अगर हमें नारी शक्ति को कहीं देखना है तो मणिपुर से ज्यादा हम कहीं देख नहीं सकते, इतना स्ट्रांग है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ, इंडिया गवर्नमेंट को छोड़ दो, जो ब्रिटिश के साथ हम लोग लड़ सकते हैं, इंडिया गवर्नमेंट क्या है, वो लोग नहीं आना चाहते, नहीं देखना चाहते हैं उसको, हैंडीकैप अभी हैंडीकैप बन गई, मोदी अंधा हो गया, बहरा हो गया और अंधी हो गया। हम मणिपुर की कुछ भी सुना नहीं है, कुछ भी देखा नहीं है, कुछ भी नहीं करना चाहते। आई वुड लाइक टू एड समथिंग, तो मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी मणिपुर का हम बेटियों, हम माओं, हम बहनों सब आगे आके आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हमको बचाओ, हम आपका बेटी है, आपका बहन है, आपका माँ है, हमको बचाओ। साफ साफ कह रहे हैं कि हम आपकी बेटी हैं, हम आपकी माँ हैं, आपकी बहन हैं और हमें बचाओ। मोदी जी या जो केंद्र सरकार है उसका फर्ज बनना चाहिए कि वो ये हिंसा रोके, हिंसा किसी भी समाज में या किसी भी स्तर पे जायज नहीं है। और जिस तरह से ड्रोन से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन शक्तियों को न्यूट्रलाइज करे और जितनी ताकत लगानी पड़े, जिस फोर्स से लगाना पड़े, क्योंकि शक्ति का जवाब सरकार ही दे सकती है, आम सिविलियन नहीं दे सकता। और मणिपुर की बेटियां कह रही हैं हमें बचाओ, और मोदी जी का फर्ज है कि उनकी रक्षा करें, अगर फर्ज नहीं निभाएंगे तो फिर देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।